नमस्ते। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करें। तो चलिए चार्ट पर ले चलते हैं, मतलब ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करते हैं हम लोग। एंड्रॉयड हो या पीसी हो या तो आईफोन हो, सभी में कैसे यूज करें। तो चलिए आपको चार्ट पर ले चलते हैं। चार्ट चलो ऐप स्टोर पर आएंगे हम लोग, अपना ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। मेरा तो डाउनलोड हो चुका है, आप लोग इसे ट्रेडिंग व्यू सर्च करके डाउनलोड करने के बाद आ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो मेरा अकाउंट इसमें तो बना हुआ है। सीधे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन पर करने के बाद आपको आने के बाद आईफोन हो या तो आईपैड हो या मैक हो उसमें खुलिएगा, तो आप लोग एप्पल आई डी सीधी कनेक्ट हो जाएगा, उससे आपका अकाउंट सीधे क्रिएट हो जाएगा। हम आते हैं ये चार्ट आपको डार्क थीम, पहले तो बात करते हैं डार्क थीम और वाइट थीम कहाँ से होते हैं। यहाँ पर सेटिंग में मेन्यू में आएंगे, मेन्यू में आने के बाद हम लोग डार्क थीम दिखेगा, तो डार्क थीम पर टच करेंगे। डार्क थीम पर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से डार्क थीम पर ही ऑन ऑफ कीजिएगा, तो इसे एकदम चार्ट वाइट हो जाएगा। आपको डार्क थीम पसंद है तो डार्क थीम पर कर सकते हो, एकदम ब्लैक दिखेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चार्ट। चार्ट कैसे यहाँ पर आएगा, वाचिंग लिस्ट आ जाएगा। वाचिंग लिस्ट में आप लोग अपना जो भी इसमें डालना चाहते हो, जो से मानिए कि निफ्टी डालना है, बिटकॉइन डालना है, जो भी चार्ट देखना है आपको इसमें डाल के, ऐसे चार्ट खुलेगा। और चार्ट खुलने के बाद आपको यहाँ पर खोल सकते हैं, यहाँ पर चार्ट पर आ सकते हैं, चार्ट खुल जाएगा। और आइडिया में क्या होता है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, इस पर आइडिया अपना शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आइडिया देख सकते हैं कि जैसे मानी को छोड़िए, इसको हटाइए, इंडियन को इसे देखते हैं, बस मानी कि निफ्टी देखना है हमको। निफ्टी पे यहाँ पर सर्च करेंगे तो हम लोग आइडिया में आएंगे, तो नीचे करेंगे तो बहुत सारे लोग एनालिसिस करके ट्रेडिंग व्यू पर डालते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ से आइडिया देखकर चार्ट देख सकते हैं। देखिए ये लोग, ये जो भी व्यक्ति हैं, ये बताएं कि मार्केट कुछ इस टाइप के पैटर्न में है और ये ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से मार्केट ऐसे मूव हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वो भी जो भी लिखे हैं, वो ये मतलब कि नोटिस लिखते हैं, नोटिस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि क्या क्या हो सकता है निफ्टी में, ये सब यहाँ पर इसे पता चल जाएगा। और आपको चार्ट में मेन यहाँ पर चार्ट हम लोग कैसे देखें, मेन ये फोकस रहता है। तो चार्ट में आने के बाद इस साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर ही आपको जो भी क्या बोलते हैं, जो भी है वो सब निफ्टी हो गया, SBI, जो भी वॉच लिस्ट में आप लगाए हुए हैं उसमें ये दिखेगा। यहाँ टाइम फ्रेम हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको कैंडल कौन सा देखना है, कैंडल में हम लोग सभी लोग देखते हैं, कैंडल स्टिक में देखेंगे, तो ये लोग चार्ट हम लोग को दिखेगा। और यहाँ पर ड्राइंग में क्या होगा कि यहाँ ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, फिबोनाची हो गया, ब्रॉस हो गया, ये सब टैक्स हो गया, जो भी चीज़ है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, यहीं पर सब आपको दिखेगा। और ये एफ जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, इंडिकेटर यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे ई एम ए आप लोग सर्च करेंगे तो मूविंग एवरेज जो भी है, यहाँ पर यहाँ टच करके इसे टच कीजिएगा तो मूविंग एवरेज देखेंगे, तो आपको चार्ट के अंदर लग चुकता है। RSI हो गया, मूवी एवरेज हो गया, ये सब इसके अंदर लग जाते हैं। ओके, और यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस साइन के अब यहाँ पर इसका भी चार्ट लगा के आप देख सकते हैं कि एक ही साथ दो चार्ट कंबाइन हो जाता है, यहाँ पर ये काम करता है। और आइडिया में इसका चार्ट आप भी शेयर कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो कि मेरा आइडिया ऐसा कुछ लग रहा है कि आने वाला निफ्टी कुछ अप जाएगा या डाउन जाएगा, जो भी आइडिया, आप आइडिया भी यहाँ पर ही ट्रेडिंग व्यू में शेयर कर सकते हो। और ये यहाँ पर से शेयरिंग जो भी लोग आपके पास है चार्ट आप देखें और इसको दोस्त यार फ्रेंड जो भी हो उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आज निफ्टी में ऐसा बना है, ऐसा हो सकता है। तो बस यही रहा चार्ट। और एक और आपको बताना चाहेंगे, तो इसमें देखिए एक प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आप डबल, जैसे मन के डबल एक ही डिस्प्ले पर दो चार्ट देख सकते हैं, यानी 5 मिनट 15 मिनट देखना चाहेंगे, जिससे टच कीजिएगा तो ये आपसे बोलेगा कि पैसा दो हमको तभी देख पाएंगे। इससे बेहतर आपको या फायर हो या काइट हो, जो भी आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो वहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक फायर का अकाउंट है, तो यहाँ पर फायर आपको ओपन करके दिखाते हैं, सेम ही रहता ट्रेडिंग व्यू से, दोनों मतलब ब्रोकर जो है वो ट्रेडिंग व्यू से मेंबरशिप लेके आपको प्रोवाइड करता है। फायर को ओपन हो जाने दीजिए, ट्रेडिंग व्यू जो भी है ये क्या करता है कि
सॉरी जो भी ब्रोकर हैं इंडिया में वो मेन ट्रेडिंग व्यू की ही यूज करते हैं, और जिरोधा भी अपडेट कर दिया है उसमें आपको टाइमिंग भी सब कुछ दिखेगा। टाइमिंग के लिए आपको बता देते हैं, ये फायर खुल जाने दीजिए, इसमें बताते हैं टाइमिंग कहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, और जो भी टाइमिंग 5 मिनट लगे थे 5 मिनट टाइमिंग ट्रेडिंग व्यू जैसे दिखता है उसे सब चार्ट में दिखने लगा। आप जिरोधा हो, अपस्टॉक हो, काइट हो, सॉरी काइट तो बोल ही दिए, तो फायर के कुछ इस टाइप के खुलेगा। और अपना ये मेरा हम आपको देखिए फायर आईपैड में आपको बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको एक सिंगल डिस्प्ले में दिख रहा है, तो आपको डबल करना था यहाँ पर, ये टिपना है और आना है। देखिए 8 वो कर सकते हैं, 7 वो कर सकते हैं, 6 वो कर सकते हैं, 5 वो चार्ट, चलिए हम लोग 4 पर टिपते हैं और चार्ट वो आपको 4 को चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे हम, मानिए कि चार्ट यहाँ बदलना है तो यहाँ पर आके सर्च करेंगे, मानिए कि हमको बैंक निफ्टी देखना है, एक साइड आपको निफ्टी का चार्ट एक साइड बैंक निफ्टी के साथ चलने लगेगा। तो इसको हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं, चलिए इसको हम 30 मिनट पर देखना चाहते हैं और इसको हम लोग 15 मिनट पर देखना चाहते हैं। तो ये 15 मिनट पर लग गया निफ्टी और इधर ही है, तो नीचे भी इसी टाइप के हम लोग ऐड कर सकते हैं, 4 को 8 को जो भी आपका डिस्प्ले लगा सकते हो। तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, तो अगला वीडियो आने वाला है आपको कौन सा टाइम फ्रेम पर हम लोग को बेहतर ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।